जब तक गर्मी है और पानी तालाब में कम है, मेरी आप सब से विनती है, जाकर दूसरे तालाब में पानी पीना होगा। हम सभी जानवरों को एक दूसरे के साथ मिल इस तरह की वीडियो को आप भी बहुत ही सिंपल स्टेप में क्रिएट कर सकते हो आपके मोबाइल से। इस वीडियो को हम 3 स्टेप में क्रिएट करेंगे। पहले स्टेप में हम इस तरह के मूविंग बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इस तरह के एनिमल्स को क्रिएट करेंगे और थर्ड स्टेप में हम काइनमास्टर की मदद से इस तरह के एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए हम 2 एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, पिक्सबाई और इमेज सर्च मैन। और एडिटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे काइनमास्टर। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करना है पिक्सबाई। यहाँ से आप आपके लिए फ्री फोटेज ले सकते हो। फर्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। आपको मूव करके वीडियोस पर क्लिक करना है और सर्च करना है मूविंग स्काई। यहाँ पर आपको भी जितने भी फोटेज मिलेंगे वो सारे कॉपीराइट फ्री है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपके अकॉर्डिंग यहाँ से मोशंस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है इमेज सर्च मैन। और आपको ये वाला है इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल है, मैं ओपन कर लूँगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है कार्टून नेचर बैकग्राउंड। आपको यहाँ पर भी जितने सारे फुटेज मिलेंगे वो सारे कॉपीराइट फ्री है। आपको आपके वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम सारी इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे काइनमास्टर। काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं, मीडिया पर जाएंगे और हमने जो फ्री फुटेज को यहाँ पर डाउनलोड किए थे उसे हम टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। मूविंग स्काई को हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। उसके बाद आपको आपके राइट साइड पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो हो रहे हैं। आपको इस सारे पॉइंट्स को आपके वीडियो में यूज़ करना है। लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे। उसके बाद हमने जो ग्रीन स्क्रीन में फॉरेस्ट को डाउनलोड किए थे उसे हम टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। हम इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा। उसके बाद इसे हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको वीडियो पर क्लिक करना है और आपके राइट साइड पर यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है क्रोमा की। इसे इनेबल कर देंगे और इसे सेट कर देंगे। इससे हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। उसके बाद फिल्टर पर जाएंगे और ऐसे विविड 05 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। तो फिर से मीडिया लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और ग्रीन स्क्रीन मैंगो ट्री को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको भी इसी तरह आपके मूविंग बैकग्राउंड को क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसे हम क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं।
उसके बाद नीचे आकर क्रोमा की का यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। एडजस्ट करके इसके पोजीशन पर सेट कर देंगे। दोस्तों आपको भी इसी तरह आपके एनिमेशंस को क्रिएट करना है। उसके बाद फिर से लेयर पर जाएंगे और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन सन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। टाइमलाइन ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे, क्रॉप कर लेंगे, के बाद क्रोमा की का यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सन को यह थोड़ा एनिमेट करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे की फ्रेम का। यहाँ पर आपको फर्स्ट पोजीशन पर सेट कर देना है और प्लस पर क्लिक करना है और टाइमलाइन को एंड पोजीशन पर सेट कर देना है और अपने सन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक रिमूव करना है। हमारा एक एनिमेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम एनिमल्स कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है एनिमल पोजिंग और आपको फर्स्ट में इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल है, मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉपीराइट फ्री एनिमल्स मिल जाएंगे कैरेक्टर। आपको यहाँ पर और नीचे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप इसे क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पर चेंज शो रहा होगा ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंग एनिमल्स को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बिल्ली और कलर बिल्ली, कुत्ता, उसके बाद हिरन, भालू, चूहा, मुर्गी, टाइगर और भी बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होगा चेंज पोज का, आपको उस पर क्लिक करना है। हम इसे एक बार देख लेते हैं। वॉक पर क्लिक करेंगे तो चलेगा, रन पर क्लिक करेंगे तो वो भागेगा, अटैक डाई, अटैक बी, ईट, आइडल। आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा बैकग्राउंड, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे इसे ग्रीन स्क्रीन पर कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हम इसके पोजीशन को थोड़ा सेट कर लेंगे। आपके ऊपर आई शो रहा होगा, अगर आप आई को क्लिक करोगे तो आपका सारे टूल्स ऐसे रिमूव हो जाएंगे। हम इसे वॉक पर क्लिक करके, आई पर क्लिक करके इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद इसके पोजीशन को थोड़ा सेट करके चेंज करके फिर से इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद एनिमल को चेंज करके इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम एनिमल को चेंज करेंगे, हम इसे भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर भालू को चेंज करके इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। हम इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह आपके सारे कैरेक्टर को आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है।
उसके बाद हम फिर से काइन मास्टर का यूज़ करेंगे। काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे, हॉल पर जाएंगे और हमने जो बैकग्राउंड को यहाँ पर क्रिएट किए थे उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस बैकग्राउंड आपको क्रिएट किए थे उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और ऐसे हम एनिमल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्रॉप कर लेंगे, उसके बाद नीचे आकर क्रोमा की का यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। सो साइज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम फिर से लेयर पर जाएंगे, मीडिया, और यहाँ से हम जीराफी को सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसे भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, पहले क्रॉप करेंगे, उसके बाद क्रोमा की का यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिमूव कर देंगे। इसके साइज को भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। हमारा सेकेंड एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया, और यहाँ से हम और एक एनिमल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बस क्रॉप करेंगे, फिर ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर रिमूव करेंगे। यहाँ पर पोजीशन वाइज सेट कर देंगे। वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। हमारा थर्ड एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर मीडिया पर लेयर पर जाएंगे, मीडिया, और एक एनिमल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सो एट द लास्ट हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।